सरकार याकूबच्या फाशीकरता घाई का करते असा सवाल एमआयएम ने केलाय. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आपण आदर करत असल्याची प्रतिक्रिया देखील एमआयएम ने दिली आहे. इतनी जल्दबाजी करना मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. हम हमारी पार्टी की ओर से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि इस देश के अंदर हम संविधान को मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम आदर करते हैं. हम अपने कार्यकर्ताओं से, एमआईएम के सभी वर्कर्स से, सभी यूनिट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है उसे स्वीकारें और अमन और शांति बनाए रखें. जब इतने बड़े बड़े एमिनेंट लोग कह रहे हैं कि सुनवाई प्रॉपर होना चाहिए, तो सरकार को क्या घाई है इसको फांसी देने के लिए? अगर आपको इंसाफ ही देना है तो इंसाफ के लिए आप उनको भी दीजिए फांसी की सजा जो राजीव गांधी के किलर्स हैं, आप उनको भी फांसी की सजा दीजिए जिन्होंने बेन सिंह को मारा है. टोटल सरासर कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं मानने वाली बात है, डेमोक्रेसी का कत्ल करने वाली बात है ये. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.